दिल्ली हाई कोर्ट में आज जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें तकरीबन 12 लोग मर गए हैं, ये देश का आज जो कानून व्यवस्था और डिफेंस सिस्टम है इसको चैलेंज है कि आज हमारे यहाँ कलकत्ता में आईटी सेक्टर में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ना यहाँ का कानून कुछ कर पाता है ना देश का कानून कुछ कर पाता है। ठीक है, कलकत्ता कंपेयर टू बाकी सिटी सेफ है, तो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस है उसका हमारे सिटी पे अच्छा खासा होल्ड है। मेरे ख्याल से और प्रिकॉशन लेना चाहिए तो बढ़िया रहेगा, हम लोग और सेफ रह सके। जहाँ तक हमको लगता है कि जो ये सब हो रहा है, आई थिंक पीपल लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ऑल दिस, अदरवाइज ये जहाँ पे हुआ है हाईकोर्ट के सामने, तो ये जगह में अगर इतना आपका सिक्योरिटी रहते हुए भी ये सब हो रहा है तो ऑब्वियसली वी डोंट फील सेफ एट ऑल। बट कलकत्ता इज अ प्लेस, अभी तक हम लोग को ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है, बट वी फील ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आई थिंक वी शुड टेक केयर ऑफ दिस एंड आई थिंक मोर देन दिस, आई थिंक हम लोग का पुलिस का जो है दैट सिक्योरिटी शुड बी, आई थिंक एवरीवन इज मोर लेस, कहीं ना कहीं हमको लगा इन्वॉल्वमेंट तो है। जब तक ये सरकार कुछ करेगी नहीं ये आतंकवाद तो कम हो नहीं सकती, और कांग्रेस सरकार जो है उनकी देश में वो सिर्फ एक ही काम में अच्छा है, वो खाली 2 दिन बाद अपना बयान देगी कि इसके पीछे कोई आतंकवादी संगठन की हाथ है। काम क्या करेगी? कुछ नहीं। अमेरिका में 9/11 के बाद आज तक एक भी हमला और नहीं हुआ, और हम लोग के देश में हर दिन एक होते रहता है। ऑफ इंडिया विल हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलवेज, बिकॉज इफ दे डाई, आई मीन इफ आई डाई, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ दे हैव टू पे फॉर माई फैमिली, सो नोबडी विल एक्चुअली ट्राई टू पे अननेसेसरीली। मेरे ख्याल से लाइक सरकार को कुछ तो हुआ ही होगा, महसूस तो कुछ करेक्ट किया होगा। बोलो, आई डोंट फील सेफ एट ऑल। तो वो सारे डिपार्टमेंट इकट्ठा आके क्या कर रहे हैं वो मुझे दिख नहीं रहे, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई एम नॉट सीइंग दैट। वो दिल्ली में हो सकता है, बॉम्बे में हो सकता है, राजस्थान कहीं भी हो सकता है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट जो कंसर्न है वो मुझे यूनिटी दिख नहीं रही, जिसके लिए मेरे को लग रहा है हर बार बार ये हुआ जा रहा है। तो दैट हैज टू बी टेकन इनटू कंसर्न।